सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2002 के गुजरात दंगे के संबंध में विशेष जाल दल द्वारा तत्कालीन नरेंद्र मोदी और अन्य को दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। संकट सरकार पर तो है ही, शिवसेना के अस्तित्व पर भी है। इस बगावत से इस बात के भी कयास लगाए गए हैं कि क्या शिवसेना अब ठाकरे परिवार के साए से बाहर निकल जाएगी। जिस शिवसेना को उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने बनाया, जिस शिवसेना में पहले बाला साहब ठाकरे फिर उद्धव ठाकरे ही पार्टी प्रधान रहे, क्या अब कोई गैर ठाकरे इसका प्रमुख बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच असम पुलिस ने शिवसेना के उप जिला प्रमुख संजय भोसले को हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बैठाकर थाने लेकर चली गई। भोसले पर आरोप है कि वे गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के पास मौजूद थे, जो कि संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। संजय भोसले होटल में ठहरे बागी विधायकों से महाराष्ट्र लौटने का आग्रह कर रहे थे। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच संजय राउत बार बार मीडिया में आकर भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस बार राउत ने केंद्रीय मंत्री पर शरद पवार को धमकी देने का आरोप लगाया है। राउत ने कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री ने शरद पवार को धमकी दी है कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने के प्रयास किया गया तो शरद पवार को घर जाने नहीं दिया जाएगा। कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। देश में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही संक्रमण दर भी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को सामने आई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे के अंदर 17,336 मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले 13,313 मरीज सामने आए थे। इसका मतलब देश में एक दिन के अंदर 4,000 से भी ज्यादा मामले बढ़े हैं। बीते कुछ दिनों से रात भरे मौसम के बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में गर्मी का टॉर्चर फिर से शुरू होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में मानसून की दस्तक से पहले पारा फिर से चढ़ेगा। हालांकि लोगों को मानसून के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में 27 जून को मानसून पहुंचेगा। इसके बाद कुछ दिनों तक झमाझम बारिश की संभावना बनी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के रूप में भाजपा की ओर से खेले गए आदिवासी कार्ड का असर दिखना शुरू हो गया है। मुर्मू की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद विपक्ष में दरार पड़नी शुरू हो गई है। इस क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेडीएस ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जगह मुर्मू को समर्थन देने का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक हो रही है। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। सभी विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की मंशा से अवगत कराया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विधायकों के साथ हो रही इस बैठक में आजम खान और शिवपाल सिंह यादव नहीं पहुंचे हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर आजादी के बाद जहां पहली बार उपचुनाव का नया अध्याय जुड़ा, वहीं अब तक हुए लोकसभा चुनावों में सबसे कम मतदान का नया रिकॉर्ड भी बना है। इस उपचुनाव में रामपुर लोकसभा सीट पर कुल 41.01% वोट पड़े हैं। साल 1991 के पहले लोकसभा चुनाव में रामपुर में 48.22% मतदान हुआ था। अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसद वरुण गांधी तलख रुख अपनाए हुए हैं। समय समय पर सरकार की कई योजनाओं की आलोचना भी कर चुके हैं। हाल ही में सरकार की अग्निपथ योजना पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। इसी क्रम में शुक्रवार को भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।